Dewangan and I have secured AIR-260 in Gate CSE 2018. जैसे कि सारे इंजीनियर जो भी इंजीनियरिंग चूज करता है अपने लाइफ में उसका एक ही सपना होता है आईटी जेई क्लियर करना। सिंस हम लोग ने आईटी जेई का एक प्रिपरेशन एक एग्जाम देके उसमें क्लियर नहीं कर पाए तो हमारे पास एक सेकंड प्लेटफॉर्म होता है आईटी में एडमिशन लेने का, वो है गेट। तो गेट चूज करने का मेरा वही रीजन रहा कि मेरा आईटी में निकला। और वैसे जैसे जितने लोग भी गेट देते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में यही देखा जाता है कि उनका आईटी में फेलियर ही बहुत बड़ा रीजन रहता है, उनको गेट में एक सीरियसनेस एक हाई लेवल तक जाने का एक चार्ज हो जाता है, इस वजह से वो गेट देते हैं। तो मेरे गेट आईटी में फेलियर का बहुत बड़ा रीजन था कि मेरे पास एक प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं था, और दूसरा रीजन था मेरे पास एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं था, और तीसरा है जो मेरे पास एक जो ग्रुप जो मैं गेट में मुझे मिला वो मुझे आईटी के टाइम पे नहीं मिल पाया था। तो विदाउट मच अडू मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ अपने गेट प्रिपरेशन से। मैं गेट प्रिपरेशन मैंने कैसे किया और कैसे इसको डिवाइड किया वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि जो गेट कोई भी एग्जाम का अगर पेपर अगर आप स्ट्रेटेजी प्लान कर लो एक प्रॉपर वे में आप प्लान कर लो तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है कि आप एक प्रॉपर वे में उसको अचीव करने में आपको बहुत फायदा मिलता है। जैसे ये गेट प्रिपरेशन जो मैंने स्ट्रेटेजी अपनाया था वो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। मैंने जो कोई भी एक सब्जेक्ट अगर मैंने लिया है उसको पहले कंप्लीट कर दिया था, उसमें मैंने ये जो स्टेप्स यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है मैं उसे फॉलो करता था। पहला स्टेप जो होता था जैसे मैं आईगेट भिलाई ज्वाइन किया था फिफ्थ सेमेस्टर में, उसमें हमारे सर सिद्धार्थ शुक्ला सर उसमें जो नोट्स जो लिखवाते थे हमको नोट्स जो क्लासेस में होती थी उसको हमने प्रॉपर नोट्स बनाया और उसको हम लोग थरो रिविजन करते थे। तो उस थरो नोट्स रिविजन से क्या हुआ था कि इनडेप्थ जो बेसिक जो फंडामेंटल्स है सब्जेक्ट्स का वो हमें एकदम क्लियर हो जाता था। तो जैसे ही क्लासेस में हमारा नोट्स क्लियर होता था कंप्लीट होता था हम वो नोट्स को पूरा एक बार गो थ्रू करते थे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होता था प्रीवियस ईयर गेट्स को गेट क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते थे। प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन जैसे आप बीच चल रहा है गेट सीएसई 2018 का पेपर दिया है तो आई थिंक 2001 से आप अगर स्टार्ट करते हो 2017 तक का पेपर अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है कि आपको एक गेट के गेट कैसे टाइप से क्वेश्चन पूछता है आपको एक क्लियर हो जाता है। तो उसके लिए दो ऑप्शन है आपके पास मार्केट में आर्काइव अवेलेबल हैं जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज डिवाइडेड मिल जाएंगे जिसपे आप सॉल्व कर सकते हो। तो फर्स्ट स्टेप आपका रहता है कि आप प्रॉपर नोट्स को रिविजन कर लो क्योंकि वो फंडामेंटल्स आपको दे देता है। तो सिद्धार्थ सर जो नोट्स पढ़ाते हैं वो मोर देन सफिशियंट है उसको आप क्लियर कर लीजिए 100%। वो जब नोट्स पढ़ेंगे मतलब ऐसा है कि नोट्स जो लिखा हुआ है उसमें जो क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं उसको आप प्रॉपरली कीजिए। उसके बाद जैसे ही स्टेप वाइज कंप्लीट हो जाए तो आप थरली जब आपका नोट्स कंप्लीट हो जाए तो आप जाइए प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस पे। प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस को करने के दो तरीके हैं जैसे कि आरकाइव जो है अवेलेबल होते हैं मार्केट में और दूसरा एक बहुत कन्वीनियंट ऑप्शन है गेट और फ्लो में तीन पीडीएफ अवेलेबल है। तीन पीडीएफ जो है उसमें क्या होता है कि पूरा क्वेश्चंस वाइज उसके क्वेश्चन और आंसर फॉर्मेट में उसमें दिया हुआ है और वो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक आंसर्स होते हैं। फिर थर्ड स्टेप में जो हम लोग फॉलो करते थे वो होता था कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते थे। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में क्या होता था मैंने ज्वाइन किया था एस और बीडीसी का, उसमें ये होता था कि उसमें टॉपिक वाइज टेस्ट होता था। टॉपिक वाइज टेस्ट इन द सेंस क्या उससे खिलाफ क्या फ़ायदा होता था कि हम लोग जो टेस्ट जो सब्जेक्ट प्रिपरेशन किए हैं हम लोग ने तो उनको ये क्लियर हो जाता था कि हम ऑनलाइन कहाँ पर स्टैंड ऑनलाइन मतलब ऑन ऑल इंडिया लेवल हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ जब हम कम्पीट कर दें तो यहाँ एक भिलाई में अगर हमारा ट्यूशन है तो उनको कॉम्पिटिशन का जो लेवल है हमको भिलाई में ही तो नहीं फाइट करना है हमको तो पूरे इंडिया लेवल पर फाइट करना है। तो इसके लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से हमको ये फायदा होता था चाहे वो कोई भी टेस्ट हो टॉपिक वाइज टेस्ट हो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हो मॉक टेस्ट हो हमको ऑल इंडिया रैंक उसमें क्लियर हो जाता था। तो हम जब टॉपिक वाइज टेस्ट देते थे सिर्फ रैंक ही नहीं देते थे हमको बाहर में क्या क्वेश्चन चल रहे हैं सब चीज़ हमको क्लियर हो जाता था और वो सारे क्वेश्चन भी हमको यहाँ के नोट से ही क्लियर हो जाता था और बनता था हमसे क्वेश्चन। तो वो आपको टॉपिक वाइज टेस्ट देना है सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना है। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होते हैं दो टाइप से होते हैं बेसिक टेस्ट होता है एडवांस लेवल टेस्ट होता है वो आप धीरे से ग्रेजुअली दे सकते हैं। तो कोई भी अगर आप सब्जेक्ट अगर आप पकड़ते हैं तो आपको यही स्टेप फॉलो करना है। मैंने जो ये फॉलो किया क्योंकि मुझे ये लगता है मैं ये स्ट्रैटेजी इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग तीन के ग्रुप में हम लोगों ने पढ़ाई की है मैं श्रेयांश और मोनीश हम तीनों बीआईटी के स्टूडेंट्स हैं और आईगेट फिफ्थ सेमेस्टर में ही ज्वाइन किए गए। हम तीनों एक एवरेज स्टूडेंट हैं और इस स्ट्रैटेजी को शेयर करने का रीज़न यही है कि हमको ये फील होता है कि कोई भी एक एवरेज स्टूडेंट अगर इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करे या इससे रिलेटेड एक स्ट्रैटेजी को
फॉलो करें तो गेट में रैंक आना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो ये जो प्रोसीजर्स है वो हर सब्जेक्ट में फॉलो करना चाहिए। और मैंने सब्जेक्ट को कुछ इस तरह से डिवाइड कर दिया था। सब्जेक्ट जो है ये हमारे गेट का सिलेबस है। गेट के सब्जेक्ट जो है डिजिटल सी और डी एस डाटा क्यूसी सी डी डी एम एस ओ एस सी एस एस ई एम ई एम एस और एपी ये हमारे गेट का सिलेबस के सब्जेक्ट्स है। ठीक है, तो इसमें गेट कैसे डिवाइड करते हैं मार्क्स, ये वाला जो पार्ट होता है अप्रॉक्सीमेटली 30 मार्क्स का हो जाता है। ई एम ई एम एस और एपी 30 मार्क्स का ही आता है, बाकी जो 70 मार्क्स है वो ये टेक्निकल सब्जेक्ट्स का आता है। तो मैंने किया था सब्जेक्ट्स को जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तो मैंने ये सोच किया था कि क्या क्या सब्जेक्ट्स है और उसको मैं कैसे डिवाइड कर लूँ। तो मैंने सब्जेक्ट्स को इसमें भी डिवाइड किया था, पहला टॉपिक जो है डिजिटल, दूसरा सब्जेक्ट है सी और डी एस, और तीसरा जो है एडा, दूसरा ग्रुप जो था टी ओ सी और सी डी का ग्रुप बना लिया था मैंने, तीसरा ग्रुप जो था पी एम डी एम एस और एफ टी का बना लिया था, और चौथा जो ग्रुप था जो कि कोर सब्जेक्ट्स है कंप्यूटर साइंस के रहते हैं तो वो डी बी एम एस ओ एस सी एस और सी एम का बनाया। इससे फायदा ये हुआ कि जैसे हम लोग बी एस को पढ़ते डिवाइड एंड कॉन्कर रूल, कि अपना जो भी प्रॉब्लम है उसको सब पार्ट्स में डिवाइड कर लो और एक एक पार्ट को अचीव करते जाओ और उसमें फिर कंप्लीट सोल्यूशन आ जाएगा। तो सिमिलरली इसमें भी वही किया हमने कि एक एक पार्ट जब जैसे ही हमारा कंप्लीट हो जाता था एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आता था हमारे अंदर कि हमारा गेट प्रिपरेशन का इतना पार्ट हो चुका है। तो सबसे पहले मैंने अपना प्रिपरेशन जो है स्टार्ट किया था मार्च में, पिछले साल मार्च 2017 में स्टार्ट किया था, प्रिपरेशन जो है दिसंबर 2017 में कंप्लीट हो गया था, उसके बाद मैंने मॉक देना स्टार्ट किया था। तो अभी जैसे ये वीडियो बन रहा है ये मार्च में बन रहा है, फिर भी आप अगर अप्रैल में भी स्टार्ट करते हैं तो एक प्रॉपर वे में आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप ऐसे करिए जैसे आपका दिसंबर अभी आप सिक्स सेमेस्टर में है फॉर सपोज, तो सिक्स सेमेस्टर में अभी आपका एग्जाम होने वाला था मई जून में, जो सेमेस्टर एग्जाम है उसके पहले आप क्या करेंगे डिजिटल सी और डी एस को कंप्लीट कर लीजिए। करीब आपके पास अभी एक से डेढ़ महीना अप्रॉक्सीमेटली है, तो आप क्या करिए डिजिटल और सी और डी एस को कंप्लीट कर लीजिए। कैसे करना है, ए स्टेप फॉलो करना है, नोट्स करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लीजिए, और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज तो अभी चालू नहीं हुआ होगा, वो होगा जून में या जुलाई में स्टार्ट होगा, तो उस टाइम आपको यहाँ से कंटिन्यू कर लीजिएगा, हल्का सा रिवीजन लीजिए और इससे कंटिन्यू कर लीजिएगा। लेकिन अभी आप क्या कीजिए, डेढ़ महीना आपके पास टाइम है तो डिजिटल सी और डी एस कर लीजिए। अगर एडा आपके पास प्रॉपर टाइम होता है तो आप कंटिन्यू कीजिए, नहीं तो उसको सेमेस्टर एग्जाम के बाद कंटिन्यू कर लीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि आपका 25% जो है प्रिपरेशन आपका सिक्स सेमेस्टर के एग्जाम के पहले ही हो जाएगा। फिर सिक्स सेमेस्टर का एग्जाम जैसे ही खत्म होता है आपका, तो आपके पास समय रहेगा करीब एक महीने का, आपको पूरा वीकेंड प्रिपरेशन मिलेगा जिसमें आपको ट्रेनिंग में करेगा। तो उस ट्रेनिंग में आप पूरा दिन ना दे दीजिए, उसमें क्या कीजिए अगर आप ट्रेनिंग कर भी रहे हैं तो एक प्रॉपर टाइम दीजिए उसको, बाकी पूरा टाइम आपको गेट दीजिए अगर आपका गेट ही मेन फोकस है। तो कुछ टाइम क्या कीजिए, उस टाइम आपके क्लासेस जो चलते रहेगा ई एम का चलते रहेगा और एपी का चलते रहेगा। तो उस टाइम आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपका एडा कंप्लीट नहीं हुआ है तो एडा कंटिन्यू करिए, एडा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मेरे ख्याल से आपको टी ओ सी और सी डी आपका क्लास कंप्लीट हो गया होगा, तो टी ओ सी और सी डी कंप्लीट कर लीजिए। तो आपका जब जुलाई स्टार्ट होने से पहले मतलब जून के एंड तक आपका एडा टी ओ सी और सी डी कंप्लीट हो जाए तो आपका 50% ऑफ प्रिपरेशन हो जाता है। और उसके बाद वहाँ चालू होगा जुलाई में स्टार्ट होगा डी बी एम एस स्टार्ट होगा, डी बी एम एस के बाद डी बी एम एस और सी एस ए चलता रहेगा। तो उस टाइम डी बी एम एस जैसे ही चलता है उसको कंटिन्यूसली उसको जैसे ही चलते जा रहा है डी बी एम एस उस टाइम कंप्लीट कर लीजिए। फिर उस टाइम सी एस ए सी एम ओ एस बचता है और ई एम डी एम एस एफ टी बचता है। तो ई एम डी एम एस और एफ टी को जो है आप एक साथ खत्म करके निपटाना ऐसा ना पड़ेगा उसको, क्या है वो एक लिमिटेड बाउंड्री में नहीं है उसके क्वेश्चन। आप क्या करिए उसको एक बेसिक प्रैक्टिस से 9th अगर आप पढ़ गए हैं आपका एपी तो उसमें क्लियर हो गया होगा, और ई एम और डी एम एस उतना ज़्यादा टफ नहीं मानते, उस पर एक प्रैक्टिस की बात है, मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो आप क्या कीजिए ई एम डी एम एस और एपी को आप प्रॉपर टाइम दीजिएगा, जब जैसे आपका 3 महीना बचता है जैसे अक्टूबर नवंबर दिसंबर बचता है तो आप उसको एक प्रॉपर टाइम दे दीजिए, 2-2 घंटे 1-1 घंटे जो भी आपको सुटेबल लगे उसके अकॉर्डिंग आप उसको डेली रूटीन में उसको प्रैक्टिस कीजिए। तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा और आपको कभी भुला नहीं लगेगा। तो इस चीज़ को इस पार्ट को आप डेली रूटीन में लास्ट के 2-3 महीने डेली रूटीन में करिए तो उससे आपका बहुत पार्ट क्लियर हो जाएगा। और लास्ट में जब ये मेन 3 सब्जेक्ट बचते हैं ओ एस सी एस और सी एम, तो ओ एस का सिर्फ सीमा फोर पार्ट जो है थोड़ा सा टफ मानता हूँ मेरे लिए, बाकी लोग शायद ईजी हो,
बाकी इतनी सारे जो पार्ट है ओएस के वो बाकी पूरे इजी है, तो ओएस को भी पढ़िए और उसके बाद सेम यही प्रोसीजर और करना है तो ओएस भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका जब दिसंबर आता है, दिसंबर के पहले नवंबर तक, नवंबर में आपको सेवन सेमेस्टर का एग्जाम होगा, तो दिसंबर में आपके पास मान के चलो कि ये सारे सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो जाए, आपका बच्चा रहेगा मान लो सी एस ए और सी एन, तो सी एस ए और सी एन जो है आप उस टाइम पे दिसंबर जो मंथ होता है आपका प्रिपरेशन का बेस्ट मंथ होता है, क्योंकि आप उस टाइम कम्प्लीटली फ्री होते हैं और आपके पास दिसंबर जो महीना है उस टाइम आपके पास सीरियसनेस का एक लेवल जो आपके पास आ गया रहता है, उस टाइम आप बहुत ज़्यादा टाइम देने लगते हो, तो उस टाइम आप क्या करेंगे 10-10 दिन में भी सी एस ए और सी एन का अगर क्लास आप प्रॉपरली अटेंड किए हैं तो सी एस ए और सी एन आप 10-10 दिन में भी कम्प्लीट कर लेंगे, तो 10-10 दिन में अगर आपका सी एस ए और सी एन भी कम्प्लीट हो जाता है तो आपका ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस है वो 20th of December तक आपका कम्प्लीट हो जाता है। उसके बाद क्या कीजिए कि यहाँ पे मॉक टेस्ट ही चालू करता है 5 December से, तो मॉक टेस्ट से घबराइए मत, आपका अगर सब्जेक्ट पूरा कम्प्लीट नहीं हुआ है तो भी आप मॉक टेस्ट देते जाइए, और आपका मैं तो जब मॉक टेस्ट यहाँ IIT में देना स्टार्ट किया था तब मेरा 4 सब्जेक्ट नहीं हुआ था, तो मॉक टेस्ट जब देते जा रहे हैं आप तो उसमें ऐसा ना सोचिए कि आपका पूरा कंप्लीट हो जाए तभी आप मॉक टेस्ट देना चालू करेंगे, आप बिल्कुल दीजिए, आपको मॉक टेस्ट यहाँ जब IIT में चालू हो जाएगा 5 से दीजिए और 20 तक आप टारगेट कीजिए कि आपका पूरा कम्प्लीट हो जाए पूरा सिलेबस, और 20 के बाद जो है अगर कुछ कुछ टॉपिक जो है आपका टाइम के शॉर्टेज की वजह से आप कुछ कुछ पार्ट अगर छूटा हुआ हो तो उसको 5 दिन खत्म कीजिए और 25 December जो है उस दिन से आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज देना चालू कीजिए, और मैं तो कहूँगा 25 से 30 मॉक जो है आप दीजिए, तो 25 December से अगर आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट देना चालू करते हैं तो आपके पास डेली 1 मॉक टेस्ट दीजिए, उस टाइम का आपका शेड्यूल मेरे ख्याल से होना चाहिए सुबह 1 मॉक 2 जिसमें आपको 3 घंटे लग जाएंगे, 3 आवर्स लग जाएंगे, फिर आप 1 घंटा का ब्रेक लीजिए, फिर इसमें फॉर एग्जांपल आप लेते हैं 9 से 12 सुबह ले सकते हैं जो कि हमारा गेट का टाइम था, तो 9 से 12 में बैठने से आपको ये फायदा होगा कि आपको गेट रूटीन में आ जाएंगे, आप गेट के एग्जाम रूटीन में, फिर आप 1 आवर का ब्रेक लीजिए, फिर आपका अगर ग्रुप है, ग्रुप का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है आपके प्रिपरेशन में, मैं क्या करता था गेट जब मेरा एग्जाम गेट का जो भी मॉक टेस्ट देता था मैं, तो 9 से 12 का मैं मॉक दिया, 1 घंटे का ब्रेक दिया, उसके बाद क्या होता था हमारे ग्रुप का मनीष्राचर मेरा, तो मैंने जैसे बताया और लास्ट में भी एड हुआ था हमारा लास्ट मंथ था प्रिपरेशन में, तो हम लोग क्या करते थे कॉल कनेक्ट करके सारे जो डाउट्स होते थे उसको हम लोग ब्रेक में, हम लोग ब्रेक लेने के बाद जो 1-2 घंटा होता था उसको कॉल कनेक्ट करके सारे डाउट डिस्कस हो जाता था, तो 2 घंटे में 2 आवर्स जो है आपका एनालिसिस टाइम हो गया, और उसके बाद फिर आपका जो प्रॉपर रिवीजन जो मान लो 6 बजे से रात के 12 बजे तक आपके पास वापस से टाइम है कि आप अपना जो प्रॉपर रिवीजन जो सब्जेक्ट सीखे हैं उसको आप प्रॉपर रिवीजन भी दे सकते हैं, तो आपको ये डेली रूटीन में शेड्यूल होना चाहिए, लास्ट मंथ में एक मॉक दीजिए, फिर 1 घंटे का ब्रेक लीजिए, 2 आवर 2.5 आवर जो भी आप एनालिसिस कीजिए, फिर ब्रेक लीजिए और उसके बाद प्रॉपर जो सब्जेक्ट का रिवीजन है वो करते जाइए। ये जो है स्ट्रेटजी जो है एक एवरेज स्टूडेंट को आराम से AIR जो अपन अचीव करना चाहते हैं जैसे 100-200 आराम से इसमें ला सकते हैं, टॉप 100 स्कोर आप आराम से इसमें ला सकते हैं, और मैं इसके अलावा यही कहूँगा मेरा जो सक्सेस का जो सीक्रेट रहा है यही स्ट्रेटजी रहा है, और मेरा मेन क्रेडिट जो मैं अपने सक्सेस का देना चाहूँगा सिद्धार्थ सर को ही देना चाहूँगा, क्योंकि उनके बिना प्रॉपर गाइडेंस और मोटिवेशन से मैं ये अचीव ही नहीं कर पाता, और सेकेंडली मैं अपने ग्रुप को क्रेडिट देना चाहता हूँ क्योंकि उनके बिना मेरा जो डाउट्स क्लियरेंस है मेरा जितना भी डाउट आता था उनसे ही क्लियर हो जाता था, उनसे नहीं क्लियर होता था तो मैं गेट और फ्लो में जाता था, अगर गेट और फ्लो जो वेबसाइट है उसमें क्लियर नहीं होता था तो मैं सिद्धार्थ सर के पास आता था, मेरे सारे डाउट्स ऑलमोस्ट 80% डाउट्स मेरे ग्रुप में क्लियर हो जाता था, तो एक ग्रुप जो होना है आप होना चाहिए एक प्रिपरेशन में वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है आपके सक्सेस के लिए। थर्डली मैं क्रेडिट देना चाहूँगा अपनी फैमिली को जो कॉन्स्टेंटली मुझे सपोर्ट किए अपने प्रिपरेशन के टाइम पे, और कॉलेज ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, कॉलेज में सुमित सर हैं संजय शर्मा सर हैं बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए, निकाल सकते हो गेट सब बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला उसमें मुझे, और मेरे पुराने फ्रेंड्स विवेक वंशिका और मेरे नए फ्रेंड्स ये सिंह भाई और विनीत हैं ये सब मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, हमेशा भरोसा दिखा है कि तुम गेट निकाल सकते हो, और मैं लास्टली यही आप सबको टिप्स देना चाहूँगा कि जो स्ट्रैटेजी अगर कोई आप किसी से ले रहे हैं स्ट्रैटेजी जैसे ये मैंने एक स्ट्रैटेजी दिया है तो आप ब्लाइंडली इसको फॉलो मत कीजिए, आप अपने हिसाब से सेट कीजिए और इसको हल्का फुल्का मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, अपने से कुछ स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, किसी का स्ट्रैटेजी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, लेकिन एक प्रॉपर मैंने अपना बता दिया आप अपने से बना सकते हैं, लेकिन आप एक
डिस्कस कर लीजिएगा अपने सर से और फाइनली उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, पक्का आपको सक्सेस मिल सकता है। सेकेंडली मैं बोलूँगा ग्रुप पे थोड़ा फोकस कीजिए, क्योंकि ग्रुप जो है आपको ना ही सिर्फ आपका डाउट क्लियर करेगा, क्योंकि हमेशा किसी चीज़ का प्रिपरेशन करो तो अप्स एंड डाउन्स आता है, और ग्रुप जो है आपको हमेशा जब भी आप नीचे गिरते रहोगे तो आपको हमेशा लिफ्ट करेगा। एक प्रॉपर ग्रुप जो होता है वो हमेशा आपको मोटिवेटेड रखता है हमेशा, तो आप उस पर बिल्कुल फोकस कीजिए। थर्डली एनालिसिस पार्ट को बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए। जब भी आप एग्जाम देते हैं, कोई भी टेस्ट देते हैं, छोटा से छोटा टेस्ट दो, ये सबसे छोटा टेस्ट होता है, ये 25 मार्क्स का होता है, लेकिन इसमें सिर्फ करीब 10 क्वेश्चन के आसपास होते हैं। तो 10 क्वेश्चन में भी आपको 8 क्वेश्चन बनेगा, 2 क्वेश्चन ही बनेगा, 5 क्वेश्चन बनेगा, 5 क्वेश्चन ही बनेगा, तो आपको 5 क्वेश्चन जो बना 5 क्वेश्चन में नहीं बना, आपको जितना क्वेश्चन आपने फेस किया है उसका आपके पास प्रॉपर रीजन प्रॉपर कंसेप्ट होने चाहिए। अगर आप टेस्ट दे दिए उसके बाद आपके पास एक नॉलेज होना चाहिए कि 10 क्वेश्चन जो मैंने आज फेस किया है, कभी भी इसके बाद अगर मुझे क्वेश्चन वापस से अगर मैं फेस करता हूँ इसी कंसेप्ट पे, तो मुझसे वो क्वेश्चन मिलना चाहिए। ये होता है एनालिसिस। तो आप एनालिसिस पे बिल्कुल फोकस कीजिए और एनालिसिस ही सबसे ज़्यादा आपको कंसेप्ट देगा। और लास्टली मैं यही कहूँगा कि आप अगर प्रॉपर प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी कोई अच्छा स्ट्रैटेजी अगर आप फॉलो कर रहे हैं, अभी ये बेस्ट टाइम है। अप्रैल से अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, कोई लेट नहीं हुआ है, अप्रैल से आप स्टार्ट कर रहे हो, आपका दिसंबर एंड तक सारे सब्जेक्ट कम्प्लीट हो सकते हैं। प्रॉपर कंसिस्टेंटली आप फॉलो कीजिए एक स्ट्रैटेजी और कंटिन्यू कीजिए अपने प्रिपरेशन में। और मैं यही कहूँगा कि अगर आप अच्छे से अभी से लग जाते हैं, अभी भी लेट नहीं हुआ है, तो आप बिल्कुल यहाँ पे आके अपना स्पीच देंगे और आपके जूनियर्स आपको वहाँ से सुनेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।